इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाराष्ट्र के वसूली केस के बारे में कुछ अंदर की बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जो इस केस में अभी तक सामने नहीं आई हैं। केस बड़ा है, आप जानते हैं कि पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री पुलिस से 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली करवाए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस का एक अफसर सबसे बड़े उद्योगपति को डराने के लिए उसके घर के सामने डायनामाइट बिछा दे। मैं जानता हूं कि यह केस पेचीदा है, इसमें बहुत सारी परतें हैं, सबको समझना मुश्किल है, लेकिन आज मेरे पास में कई ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको चौंका देंगी। यह मुंबई पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे संदिग्ध मामला बन गया है। इस खेल में सियासत है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी। कल तक शरद पवार जी से गंभीर मामला बता रहे थे, जिसकी जांच कराने की बात कह रहे थे। आज वही शरद पवार अनिल देशमुख को, महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्टर को, क्लीन चिट दे रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार दांव पर है। सियासत के इस खेल में शरद पवार महानायक बने हुए हैं, उनके होम मिनिस्टर अनिल देशमुख खलनायक हैं और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता आक्रामक। इस केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके परमबीर सिंह आज सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? क्या मुकेश अंबानी को डराने की कोशिश करने वाले सचिन वाजे को बचाने की कोई कोशिश कर रहा है? वाजे को असेंबली में डिफेंड करने वाले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? आज मैं आपको इस केस के सारे सच बताऊंगा, इस केस से जुड़ी ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको कोई और नहीं बताएगा। क्या परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का आरोप बीजेपी के शह पर लगाया? क्या परमबीर सिंह अब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल गए हैं? क्या परमबीर सिंह सचिन वाजे की मुकेश अंबानी को डराने के लिए साजिश के बारे में जानते थे? सचिन वाजे ने परमबीर सिंह को क्या क्या बताया था? और क्या सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह को यह लगता था कि इस केस की आग उन तक पहुंच जाएगी, इसीलिए परमबीर सिंह ने अपने बचाव में अनिल देशमुख पर लेटर बम फोड़ दिया? इन सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है। परमबीर सिंह ने होम मिनिस्टर के खिलाफ चीफ मिनिस्टर की वो चिट्ठी क्यों लिखी? शिवसेना और एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि सचिन वाजे परमबीर सिंह का आदमी है, परमबीर का करीबी है और उसकी सारी हरकतों के बारे में परमबीर सिंह जानते थे, इसलिए अब सचिन वाजे गिरफ्तार हो गया तो परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए एक कहानी रच डाली। अब पहला सवाल है, क्या सचिन वाजे की साजिश की जानकारी परमबीर सिंह को थी? जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी मिलने के केस में सचिन वाजे का नाम आया तो परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को अपने घर बुलाकर उससे बात की थी। और मेरी जानकारी यह है कि परमबीर सिंह ने सचिन वाजे से 2 घंटे तक पूछताछ की थी, उससे बार बार पूछा था इस केस में उसका कोई रोल तो नहीं है, और सचिन वाजे ने हर बार यही कहा उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। परमबीर सिंह ने दूसरी बार सचिन वाजे को तब बुलाया जब उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर दुनिया को अलविदा कहने की बात लिखी। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को फिर बुलाया और समझाया वो कोई ऐसा कदम ना उठाए, जान देने की बात ना करे, इस तरह की बातें दिमाग में ना लाए, सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई बात ना लिखे। उस वक्त सचिन वाजे के सिर में दर्द था, परमबीर सिंह ने उसे डिस्प्रिन खाने के लिए एक गोली भी दी थी। परमबीर सिंह के पास कई सीनियर अफसरों के फोन कॉल आए थे, सारे अफसरों ने परमबीर से कहा था कि आप खुद ही सचिन वाजे को समझाएं कि वो कोई ऐसा नाकाम ना करे। मुझे पता चला कि जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी पार्क करने के केस में सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ तो परमबीर सिंह ने अपने दोस्तों से कहा कि वाजे ने उससे सरासर झूठ बोला और उन्हें
अंधेरे में रखा। उन्होंने यह बात कुछ पुलिस अफसरों के साथ शेयर की कि उन्हें सचिन वाजे पर पूरा भरोसा था, उन्हें उसकी बातचीत से, उसके रवैये से, उसके कॉन्फिडेंस से जरा भी नहीं लगा कि वो उनसे इतना झूठ बोलेगा। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल की है, जो पिटीशन फाइल की है, उसमें सचिन वाजे को लेकर जो कुछ लिखा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। परमबीर सिंह ने लिखा, उन्हें इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे केस में सिर्फ स्पेकुलेशन, कंजेक्चर के आधार पर बलि का बकरा बनाया गया। परमबीर सिंह ने लिखा कि मुंबई पुलिस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके और सचिन वाजे के बीच 5 अफसर आते हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के अंडर 5 जॉइंट कमिश्नर हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी पार्क करने का केस जॉइंट कमिश्नर क्राइम के अंडर आता है। जॉइंट कमिश्नर को क्राइम ब्रांच का ACP असिस्ट करता है और ACP को IPS रैंक का ही DCP असिस्ट करता है। फिर DCP के अंडर एक और ACP मौजूद होता है जो एक्सटॉर्शन, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, प्रॉपर्टी और चोरी जैसे मामलों की जांच करती है। और इसी में से एक टीम क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की होती है जिसका हेड सचिन वाजे था। परमबीर सिंह ने लिखा, जब कमिश्नर और सचिन वाजे के बीच वर्टिकली 5 अफसर मौजूद थे, ऐसे में अनिल देशमुख का बाकी अफसरों को बायपास करके सचिन वाजे को डायरेक्टली बुलाना, यह साबित करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ने कहा, उनका ट्रांसफर सिर्फ मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक्स के मामले की वजह से नहीं किया गया, बल्कि इसका मकसद तो कुछ और ही था। अब NCP और शिवसेना का इल्जाम है कि परमबीर सिंह BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं, परमबीर सिंह देवेंद्र फडणवीस से मिल गए हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि परमबीर सिंह डेपुटेशन पर दिल्ली जाना चाहते हैं, वो दिल्ली जाकर अमित शाह से मिले थे, डेपुटेशन के लिए बात की थी और इसके बाद ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। दावा यह भी है कि परमबीर सिंह अगर डेपुटेशन पर नहीं गए तो VRS लेकर राजनीति में चले जाएंगे, BJP में शामिल हो जाएंगे। NCP के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने कहा, परमबीर सिंह ने दिल्ली में जिन लोगों से मीटिंग की उनकी पूरी जानकारी उनके पास है और दिल्ली के इंपॉर्टेंट लीडर ने उन्हें क्या क्या कहा यह भी उन्हें मालूम है। परमबीर सिंह जी दिल्ली गए, दिल्ली में किन लोगों से कब मुलाकात की उसकी हमें पूरी जानकारी है। दिल्ली के वो महत्वपूर्ण नेता ने क्या उन्हें बताया वो भी हमें जानकारी है। समय आने पे सच्चाई लोगों के सामने रखी जाएगी। अब मैंने डिटेल्स चेक की, पता चला परमबीर सिंह ने न तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन बढ़ाने के लिए अप्लाई किया है और ना ही ऐसा उनको कोई इरादा है। दूसरी बात, परमबीर सिंह ने अपने करीबियों से कहा कि वो DG होमगार्ड के पद पर काम करेंगे, VRS लेने का उनका कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तीसरी बात, परमबीर सिंह ने इस बात को भी कंफर्म किया कि वो इस दौरान न तो दिल्ली आए और न ही उनकी किसी BJP के नेता से मुलाकात हुई। मैंने भी सरकार में अपने सोर्सेज से कंफर्म किया कि परमबीर सिंह की होम मिनिस्टर अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई। परमबीर सिंह के करीबों का कहना है कि जब उनसे राजनीति के बारे में पूछा जाता है क्या वो राजनीति में जाएंगे तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि वो सियासत के लिए बने नहीं, वो इस लायक ही नहीं है कि वो सियासत में जाए और न सियासत उनके लायक है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे सुधीर मुनगंटीवार ने आज कहा कि इस केस को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, अगर परमबीर सिंह के आरोप सही है तो होम मिनिस्टर पर एक्शन हो, अगर परमबीर सिंह के आरोप गलत है तो खुद को बचाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो परमबीर सिंह को भी जेल में डालो। ये प्रकरण एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब से भी बड़ा गंभीर है। स्वाधीनता के बाद एक राजनीतिक नेता ने दूसरे राजनीतिक नेता पे कभी आरोप किया, एक राजनीतिक पार्टी ने दूसरे राजनीतिक पार्टी पे आरोप किया, कभी सत्यता थी, कभी शायद राजनीतिक स्वार्थ भी हो सकता है, मगर ये पहली घटना है कि 32 वर्ष पुलिस विभाग की सेवा करने वाला एक पत्र लिखता है। पत्र में ये लिखता है कि ये मैंने माननीय पवार साहब को कहा था, माननीय
मुख्यमंत्री जी को ये बात कही थी। और ये गंभीर बात के तरफ अगर ध्यान आकर्षित करता है, उन्हें ये तो पता है कि मैं तो आज नौकरी में हूँ, उन्हें अपनी नौकरी खोने का धोखा भी है, उसके बाद भी ये आरोप कर रहा है, तो जांच तो करनी होगी। अगर इसमें सच्चाई है तो गृहमंत्री को प्रायश्चित करना होगा। अगर ये झूठ है, ये राजनीतिक रूप में एक षड्यंत्र के रूप में अगर ये गटर लिखा जाता है तो परमवीर सिंह को सजा मिलनी चाहिए। मगर क्या ये सरकार के मंत्री, सरकार के नेता ये क्या न्यायाधीश बन जाएंगे क्या? अगर गृहमंत्री वर्दी वालों को खंडनी वसूल करने के लिए कहते होंगे तो ये बड़ी बहुत गंभीर बात है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। अब ये बात तो सही है कि न तो परमवीर सिंह दूध के धुले हैं और ना ही अनिल देशमुख पाक साफ है। लेकिन जहां तक इस केस का सवाल है, उसमें दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलत है, एक सही है, इसलिए इस मामले की जांच तो जरूरी है। इल्जाम सामने है और इल्जाम एक ऐसे व्यक्ति ने लगाया जो 32 साल से पुलिस की सर्विस में है, जो कुछ दिन पहले तक मुंबई में पुलिस का कमिश्नर था, तो इन आरोपों की हकीकत तो सामने आनी जरूरी है, क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा धक्का मुंबई पुलिस की इमेज को लगा है और ऐसा लगने लगा है कि जैसे सरकार के कहने पर पुलिस वसूली का काम करती है। हैरानी की बात यह कि आज शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में सामने आए। हैरानी की बात इसलिए क्योंकि कल शाम को ही शरद पवार ने कहा था यह एक बहुत गंभीर मामला है और वो इसकी जांच करवाएंगे, असलियत सामने आनी चाहिए। लेकिन आज सुबह हुई तो शरद पवार पलट गए। आज शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख पर लगे ये आरोप गलत हैं कि उन्होंने सचिन वाजे को अपने घर बुलाया और हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा। पवार ने कहा कि अनिल देशमुख तो हॉस्पिटल में थे, उन्हें कोरोना हो गया था और अपनी बात का सबूत देने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल के कागज भी दिखाए। तो क्या कहा था शरद पवार ने, पहले आप ये देख लीजिए। आई गॉट द डॉक्यूमेंट्री विजन फ्रॉम 6 February टू 15 February। मिस्टर देशमुख वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द कोरोना। ही वाज डिस्चार्ज ऑन 15 February and advised from 15 February to 27 February for house quarantine. From the CP's letter, he suggested regarding collection of money and everything, the Honorable Home Minister, around the mid-February, calls Sri Vajay, that's his official residence, and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. शरद पवार को मैं आज से नहीं 45 साल से जानता हूं। वो महाराष्ट्र के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे 1978 से, मैं जानता हूं। तब से लेकर आज तक मैंने शरद पवार को इतना बेचैन कभी नहीं देखा। यह उनका स्वभाव नहीं है कि किसी एक सवाल पर वो 24 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपनी पार्टी के किसी नेता के बचाव में वो इस तरह से आए, क्योंकि शरद पवार बहुत सीनियर नेता हैं, भारत में राजनीति का भीष्म पिता मैं उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के एक नेता को बचाने के लिए वो कागज लेकर सबूत लेकर प्रेस के सामने आए, ऐसा होता नहीं। हैरानी की बात तो ये थी कि कल शरद पवार कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, शिकायतें मिली हैं, जांच होनी चाहिए। आमतौर पर शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो 5 कदम आगे देखकर फिर कोई बात कहते हैं, लेकिन कल शाम को कुछ और आज अचानक यूटर्न। आज उन्होंने अनिल देशमुख को जब क्लीन चिट दी तो काफी हैरानी की बात थी। उनके हाथ में जो कागज थे, जो ब्रीफिंग उन्हें दी गई थी, वो काफी कन्विंसिंग थी,
लेकिन मुश्किल तब खड़ी हो गई जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो वहीं जो रिपोर्टर्स बैठे थे उन्होंने शरद पवार को एक वीडियो दिखाया। उन्होंने कहा कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अनिल देशमुख हॉस्पिटल में थे, जिस दिन आप उनके हॉस्पिटल में होने की बात कर रहे थे उस दिन अनिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मीडिया वालों के पास वो वीडियो आया था जो देवेंद्र फडणवीस ने भेजा था। लोगों ने वो वीडियो दिखाया और शरद पवार से पूछा आप कैसे कह सकते हैं, तो एक मिनट के लिए तो शरद पवार भी चकरा गए। 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप सर कह रहे हैं कि वो घर में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे, आपने अभी डेट दिया सर 1527 ये मेरे पास सबसे बिगेस्ट सेक्टर कौन सी किसको मालूम सर, देखिए ना ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है, 15 फरवरी का ट्वीट है सर, 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट सर माइक आईडी की बात है जो बताया आपके सामने बताया, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अब शरद पवार ने कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वहां भी शरद पवार को किसी ने गलत ब्रीफ किया। मैंने कभी भी शरद पवार को इस तरह से रेटल नहीं देखा, हालांकि वो मीडिया से जब बात करते हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, किसी चीज़ को टालते नहीं और वो बहुत चतुर हैं, लेकिन इस मामले में फंस गए। हुआ ये था जो बाद में अनिल देशमुख ने बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर आकर वहां खड़े मीडिया वालों से बात की थी, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की थी और उसी दिन की थी जिस दिन शरद पवार ने कहा कि वो हॉस्पिटल में थे। तो वो सुबह हॉस्पिटल से आए और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद प्राइवेट प्लेन लेकर मुंबई आ गए। अब चूंकि शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में खड़े हैं, उद्धव ठाकरे खामोश हैं, शिवसेना के नेता पवार की तरफ देख रहे हैं और परमवीर सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए आज परमवीर सिंह ने एक और बोल्ड स्टेप लिया। परमवीर सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी और देश के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब पुलिस का कोई बड़ा अफसर सुप्रीम कोर्ट में अपने पर लगे आरोपों की जांच की मांग करे और अपने द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग करे। होम मिनिस्टर पर वसूली का इल्जाम लगाकर सुप्रीम कोर्ट से सरकार की इंक्वायरी कराने की बात कहे, सीबीआई से जांच कराने को कहे। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है और इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हालांकि मुझे लगता है कि परमवीर सिंह के जो तर्क हैं उनमें तो दम है, उनका कहना है कि वो झूठ बोल सकते हैं, मंत्री भी झूठ बोल सकते हैं, दूसरे लोग भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। होम मिनिस्टर कोई आम आदमी तो है नहीं, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के घर पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, आने जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड होता है। अनिल देशमुख के सरकारी घर के सारे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक कर लिया जाए, पता चल जाएगा अनिल देशमुख जब होम आइसोलेशन में थे तो उस वक्त पुलिस के किन किन अफसरों को उनके घर बुलाया गया था। अनिल देशमुख के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच सुप्रीम कोर्ट कराएगा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन एनसीपी के नेता परमवीर सिंह पर यह सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने यह लेटर अब क्यों लिखा। इन सवालों का परमवीर सिंह ने क्या जवाब दिया, यह दिखाने से पहले 20 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या है वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं।
बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके। परमबीर सिंह पर अंदर की कुछ और बातें आपको बताऊं इससे पहले एक काम की बात आपको बता देता हूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका बहुत आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें, इसे डाउनलोड कर लें और अब आप बड़े आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिल्कुल साफ साफ सारी खबरें इंडिया टीवी पर देख सकते हैं नॉन स्टॉप कहीं भी कभी। तुम बात कर रहे थे परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पर जो आरोप लगाए हैं उनकी, शरद पवार की सफाई की और सुप्रीम कोर्ट में फाइल पिटीशन की। मुझे लगता है ये एक ऐसा केस हो गया है जिसमें एक सवाल का जवाब मिलता है तो चार और सवाल खड़े हो जाते हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है और जो हो रहा है और जो बताया जा रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है और जो छुपाया जा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं वही आपको बताऊं। एक बड़ा सवाल है कि परमबीर सिंह अब तक खामोश क्यों रहे, पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने लेटर बम क्यों फोड़ा। इस सवाल पर परमबीर सिंह क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि परमबीर सिंह अपने आरोपों पर कायम है और वो इस लड़ाई को आर पार तक लड़ने के मूड में है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन उन्होंने फाइल की है उनपे उन्होंने अपने सारे आरोपों को दोहराया है, सीबीआई से जांच की मांग की है। आज परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें कहा कि अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल के अलावा सचिन वाजे को भी अपने घर बुलाया था। जिस वक्त सचिन वाजे से अनिल देशमुख ने मीटिंग की तब देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। तब अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से कहा कि 100 करोड़ वसूलने के लिए कम से कम 1750 बार हैं, रेस्टोरेंट हैं और मुंबई में दूसरी जगहें भी हैं। अगर इन सभी जगहों से 2-3 लाख रुपए वसूले जाएं तो फिर हर महीने 40 से 50 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में आगे लिखा है, इस मीटिंग के कुछ दिन बाद सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाया और उनसे हुक्का पाल्स को लेकर चर्चा की, हुक्का बार की चर्चा की और इस मीटिंग में कुछ दूसरे अफसर भी शामिल थे और अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। परमबीर सिंह ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि 2 दिन बाद एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को फिर अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाया, उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा और फिर देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी ने दोनों अफसरों से कहा कि होम मिनिस्टर चाहते हैं कि मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 40 से 50 करोड़ रुपए वसूले जाएं और इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल नहीं है। ये सारी बातें परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कही हैं। एनसीपी के नेता हो, शिवसेना के नेता हो, कोई आरोपों पर जवाब तो नहीं दे रहा लेकिन सब परमबीर सिंह पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर। शरद पवार ने भी यह सवाल पूछा कि मीटिंग में परमबीर सिंह मिड फरवरी की बात करते हैं तो फिर उन्होंने इन सारी बातों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 1 महीने का वक्त क्यों लगाया। पवार ने कहा कि वो परमबीर सिंह को कई साल से जानते हैं और उनके बारे में काफी बातें सुनी भी हैं, मगर जब परमबीर को अपने ट्रांसफर होने की खबर मिली तभी उन्होंने ये सारी बातें बताई, इसलिए ये सवाल तो बनता है कि परमबीर सिंह की आत्मा ट्रांसफर होने के बाद ही क्यों जागी। In mid-February, CP got this type of information. So while he was waiting up to second week of March, for whole month, this is important issue. It was his duty, at least he should say something in writing. At least it was his duty to register such and such things to certain record. But that is not done. He has disclosed this, all these things when he was about to transfer and he transfers. He mentioned mid-February, same day, concerned officers brief him that he has said from mid-February till 16
मास तक वो चुप क्यों बैठे थे? मैं उनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें इधर सुनने के लिए आती थी, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। अब ये बात सही है कि परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तो उन्हें इस वसूली रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी। सचिन वाजे ने पहले उन्हें बताया था और उसके बाद पुलिस के दो और बड़े अफसरों ने अनिल देशमुख के वसूली के आदेश की बात को कंफर्म किया था। तो इसलिए सवाल तो उठता है कि परमवीर सिंह सब कुछ जानने के बाद खामोश क्यों थे। इस पर परमवीर सिंह का कहना है कि वो खामोश नहीं थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को इसके बारे में बताया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को जानकारी दी थी और इसके बाद शरद पवार को भी ब्रीफ किया था, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज इसके बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट की कहा, हां यह सही है कि परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख की शिकायत उनसे की थी। और इसके बाद शरद पवार ने यह भी कहा कि लेकिन अब जो फैक्ट सामने आए हैं उन पर गौर करने के बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। He mentioned same thing to me, so I don't have it. Okay. Then CP has briefed me also, he made allegation also, and definitely whatever the time schedule which he has given and factual information as on today, these were different, and that's why question doesn't arise to take anything about Mr. Deshmukh. मैं इस बात के लिए शरद पवार की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। शरद पवार ने यह माना कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहते हुए परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख की वसूली की मांग के बारे में उन्हें बताया था। अब सवाल यह उठता है कि जब परमवीर सिंह ने शरद पवार को बताया, उद्धव ठाकरे को बताया, तो फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात, जब उन्होंने बता दिया था तो फिर चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी और इस चिट्ठी को पब्लिकली रिलीज करने की क्या जरूरत थी? आमतौर पर कोई पुलिस अफसर ऐसा काम नहीं करता। परमवीर सिंह ये तो जानते थे उनकी चिट्ठी का क्या असर होगा, तो फिर उन्होंने इतना एक्सप्लोसिव लेटर, इतना बड़ा बम क्यों फोड़ा? इसके जवाब में परमवीर सिंह अपने दोस्तों को यह कहते हैं कि उन्हें ट्रांसफर से कोई दिक्कत नहीं थी। जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से उन्हें हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया तो उन्हें अपने नए काम का चार्ज संभाल लिया था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वो ये समझते हैं कि अफसरों का ट्रांसफर करना सरकार का अधिकार होता है और अफसरों का ट्रांसफर होता रहता है, ये रूटीन बात है और सर्विस में कई बार हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एक इंटरव्यू में कहा मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से परमवीर सिंह का ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर नहीं था। होम मिनिस्टर ने कहा कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से नहीं बल्कि दूसरी वजहों से किया गया। और फिर अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि एंटीलिया का केस, यानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव रखने के मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने और मुंबई पुलिस ने गंभीर गलतियां की हैं। फिर कहा पुलिस कमिश्नर की गलतियां माफी के योग्य नहीं है। बस यही बात परमवीर सिंह को कुछ ज्यादा ही चुभ गई। उन्होंने उसे आत्मसम्मान का सवाल बताया, उन्हें होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का यह कमेंट इंसल्टिंग लगा, अपमानजनक लगा। 32 साल की सर्विस के दौरान परमवीर का दावा है कि किसी ने उनके बारे में इस तरह के कमेंट अभी नहीं किए, इसीलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, सारी बातें बताई। परमवीर सिंह का कहना है कि अगर वो सिर्फ बयान देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सवाल मुंबई पुलिस की छवि का था, सवाल उनकी अपनी इंटेग्रिटी का था जिस पर उंगली उठाई गई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड पर लाने के लिए चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और इसकी कॉपी गवर्नर को भी भेज दी। अब गवर्नर ने परमवीर सिंह को बुलाकर उनसे सारी बात की जानकारी ली है। परमवीर सिंह ने जो कदम उठाया अब उससे पीछे तो वो नहीं हट सकते। ये बड़ी बात है कि होम मिनिस्टर के खिलाफ एक पुलिस अफसर जो नौकरी में हो वो
इतना बड़ा आरोप लगाए, चीफ मिनिस्टर शिकायत करे। परमवीर सिंह ने आज एक और कदम उठाया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें होम मिनिस्टर के पूरे कारनामों की जानकारी दी है, 7-8 महीने की पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया है। और अपनी पिटीशन में परमवीर ने लिखा कि पिछले साल यानी 24-25 अगस्त को स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने भी अनिल देशमुख की शिकायत की थी। परमवीर सिंह ने कहा कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट करता है। इसी दौरान रश्मि शुक्ला को पता चला कि ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ियां की जा रही हैं। रश्मि शुक्ला ने यह बात महाराष्ट्र के डीजीपी को बताई और डीजीपी ने होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक यह बात पहुंचा दी। लेकिन अनिल देशमुख के खिलाफ एक्शन तो क्या होता, वो होम मिनिस्टर हैं। रश्मि शुक्ला को साइडलाइन कर दिया गया। चूंकि मामला बहुत गंभीर है, परमवीर सिंह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, असर यह हुआ है कि एनसीपी और शिवसेना के नेता डिफेंसिव पर हैं। आज शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में सामने तो आए थे, लेकिन जब सवालों की बौछार हो गई तो पवार को भी कहना पड़ा अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो जांच करा ले। अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था, अभी जांच एक्चुअली शुरू में, कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर्स ऐसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है। मगर डिमांड को सीएम साहब को सकते तो उनका अधिकार है। शरद पवार जब अनिल देशमुख के सपोर्ट में खड़े हो गए तो शिवसेना का भी हौसला बढ़ा। संजय राउत ने कहा जब शरद पवार कह चुके हैं कि आरोपों में कोई दम नहीं है तो फिर अनिल देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा अगर इस तरह के आरोपों पर मंत्रियों का इस्तीफा लेने लगे तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसमें गलत क्या है, कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी, आजकल तो ये बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। लेकिन प्रवीर सिंह तो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाने दो, उनकी जांच होनी चाहिए ये सब जो आरोप है, और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। परमवीर सिंह जो एक्शन लिया, जो सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, इस सब का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर हुआ है। और आज शरद पवार ने जब पीठ पर हाथ रखा तो अनिल देशमुख भी एक्टिव हो गए। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर इस वक्त एक्शन में हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि अनिल देशमुख परमवीर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसके लिए आज उन्होंने कई मीटिंग्स की हैं। सबसे पहले एटीएस चीफ जयजीत सिंह ने अनिल देशमुख से मीटिंग की और इसके बाद शाम को महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ जो कि एंटी करप्शन यूनिट के भी चीफ हैं, उन्होंने भी देशमुख से बात की। पता यह चला है कि अब अनिल देशमुख कुछ पुराने केसेस में परमवीर सिंह पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी ज्यादा डिटेल्स हमारे संवाददाता राजेश कुमार के पास हैं। सीधे राजेश के पास चलते हैं। राजेश, क्या एक्शन ले सकते हैं होम मिनिस्टर, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही रजत जी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, डीजी एंटी करप्शन जो कि महाराष्ट्र के भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं रजनीश सेठ, वो मिले थे अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और 25 मिनट तक की मुलाकात जो है वो चली है। इंस्पेक्टर अनूप दांगे जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, सस्पेंडेड हैं, उन्होंने
परमवीर सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके एक जानने वाले शख्स ने उनको अप्रोच किया था और कहा था कि 2 करोड़ रुपए देने के बाद वो परमवीर सिंह से कह के उन्हें रीइंस्टेट करा देंगे। इस बाबत उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि ACS होम या फिर कोई सीनियर IAS अधिकारी इस केस की जांच करे। तो इस केस के बारे में DG एंटी करप्शन से जानकारी अनिल देशमुख ने ली है। साथ ही कोई और केस में परमवीर सिंह का नाम है क्या एंटी करप्शन के केसेस में, ये जानकारी भी DG एंटी करप्शन से ली गई है। मतलब साफ है, अनिल देशमुख परमवीर सिंह पर कार्रवाई करने के मूड में हैं। जो भी उनके खिलाफ शिकायतें हैं उसको वो बाहर निकलवा रहे हैं और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं कि इस पर एक्शन कैसे लिया जाए। रजत जी, राजेश, उद्धव ठाकरे ने भी आज कई लोगों से मुलाकात की है, तो क्या उनकी भी कोई कोशिश है अनिल देशमुख के बारे में कोई एक्शन लेने की, अनिल देशमुख को डिफेंड करने की? उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? देखिए, लॉ एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट के अफसरों से मीटिंग चली है उद्धव ठाकरे की, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मीटिंग चली है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये मीटिंग चली है और जो भी इस वक्त सियासी हलचल है या फिर प्रशासनिक हलचल है उसके बारे में जानकारी ली गई है। परमवीर सिंह के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। गृह मंत्री का साफ है, जो सूत्र हमारे एंटी करप्शन में, वो साफ बता रहे हैं कि इसी बाबत रजनीश सेठ को बुलाया गया था और इसी के बारे में जानकारी ली गई है। मंत्री जो सियासी हलचल है, जो प्रशासनिक फेरबदल है, जो प्रशासन में उथल पुथल है, इसके बारे में लॉ एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट से उन्होंने मीटिंग की, अफसरों से मीटिंग की है और उससे उसकी जानकारी उन्होंने ली है। रजत जी, राजेश, पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। पिछले 3 दिन में आपने इस पूरे मामले पर बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, सबसे पहले ये जानकारी दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बधाई आपको और इसी तरह से लगे रहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है जो बहुत आगे तक जाएगा। इसका असर महाराष्ट्र की सियासत पर होगा, पुलिस की छवि पर होगा, तो अपना ध्यान भी रखिए। मैं जानता हूं कि मुंबई में इस समय कोरोना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अपना ध्यान भी रखिए और खबर भी इसी तेजी से देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत की महिमा परंपार है। आज शिवसेना और NCP के नेता कह रहे हैं कि BJP परमवीर सिंह का इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए। दावा तो यह भी है कि परमवीर सिंह से होम मिनिस्टर के खिलाफ लेटर BJP ने लिखवाया। अब परमवीर की सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन भी BJP की है, परमवीर का नागपुर कनेक्शन भी है। अब ये बातें थोड़ी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक यही परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तो शिवसेना और NCP की आंखों के तारे थे। सामना में हर थोड़े दिन में परमवीर की तारीफों के कसीदे काढ़े जाते थे, उन्हें सबसे एफिशिएंट, सबसे ईमानदार अफसर बताया जाता था। अब वो अचानक BJP के हो गए, वो फडणवीस के इशारे पर काम करने लगे। मजे की बात है कि जब शिवसेना और NCP के नेता उनकी तारीफ करते हैं तो BJP के नेता परमवीर को उद्धव ठाकरे के हाथ की कठपुतली बताते थे। उनकी शिकायत थी कि उद्धव ठाकरे की सरकार परमवीर का इस्तेमाल करती है। BJP का आरोप यह भी था कि परमवीर उनके लोगों के खिलाफ केस करते हैं, उन्हें टाइट करते हैं। आप देखिए, हफ्ते भर में मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। अब शिवसेना और NCP के नेता कह रहे हैं कि परमवीर का नाम अंबानी के घर के बाहर बारूद के केस में आने वाला था, इसलिए अपने को बचाने के लिए उन्होंने लेटर बम फोड़ दिया। अब लेटेस्ट बात आपने देखी है, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख खोज रहे हैं कि कैसे परमवीर सिंह के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मेरा कहना है कि इस वक्त इस बात में जाने की जरूरत नहीं कि परमवीर ने लेटर क्यों लिखा, अभी जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा, क्योंकि पुलिस को 100 करोड़ की वसूली हर महीने करने के लिए कहना, वो भी होम मिनिस्टर द्वारा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। और इसकी शिकायत फॉर्मर पुलिस कमिश्नर करे तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, तो इसे सच सामने आना चाहिए। अगर यह इल्जाम सच साबित हुआ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लेटर किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड के बाद बेस्ट पुलिस फोर्स कहा जाता था, उसकी इज्जत का सवाल है।
और इसी के साथ साथ ये महाराष्ट्र सरकार की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, ये उद्धव ठाकरे की कैपेबिलिटी का भी सवाल है। इसलिए इन सवालों के जवाब जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा होगा। महाराष्ट्र के इस मसले ने दिल्ली का सियासी पारा कैसे बढ़ा दिया है, इसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के जिस वसूली कांड की हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, उस पर आज पार्लियामेंट में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ और लोकसभा में भी इस पर चर्चा हुई। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर सीधा अटैक किया। बीजेपी के एमपीज ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा, सीबीआई से जांच कराने और महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट जरूर लगाने की मांग की। और ये बताते हैं, पूनम महाजन ने कहा, जब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया है तो सोचिए पूरे महाराष्ट्र से कितनी वसूली हो रही होगी। महाराष्ट्र एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र की अमरावती से लोकसभा के मेंबर निर्दलीय सांसद नवदीत राणा ने वसूली कांड में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए। नवदीत राणा ने कहा कि वसूली का यह पूरा खेल उद्धव ठाकरे के इशारे पर चल रहा था। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन बाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन बाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन बाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। ये वसूली कांड को लेकर बहुत तरह के इल्जाम लगे, बहुत तरह के फैक्ट सामने आए, लेकिन एनसीपी और शिवसेना का एक पक्ष भी है और फेयरनेस तो यही है कि उनकी बात भी आप तक पहुंचाई जाए। शिवसेना के एमपी विनायक राउत ने कहा, केंद्र सरकार लगातार महाराष्ट्र सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, हर बार वो नाकाम रही है, अब तरह तरह के आरोप लगाकर महाराष्ट्र की सरकार को, मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी को, अब आघाड़ी का जो सरकार है, जहां का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे, इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए हैं, पूरी तरीके से असफल हुए हैं। इसके लिए कई कपट नीति, राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारण में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। एनसीपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी है, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने पर सवाल खड़ा किया।
सुप्रिया सुले ने कहा कि जीरो आवर में जिस तरह से बीजेपी के 8 एमपीज को महाराष्ट्र के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया गया, वो भी बिना किसी सूचना के, ये ठीक नहीं है। दुख तो होता है जब 8 लोग एक ही विषय पर बोलते हैं, तो हमारी तरफ से एक तो बोल सकते थे हर पार्टी से, तो वो तो हुआ नहीं सुबह। आई जस्ट वांट टू फ्लैग दैट इट्स अ ब्लैक डे, एवरीबडी डजंट स्टे इन दिस साइड। सो जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार, तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे जीरो आवर पे, जिनका नाम नहीं था, मैंने चेक भी की, एक ही का एक भैया नाम जीरो आवर में नहीं था। इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर, बट दिस इज इनजस्टिस। इस मुद्दे पर शिवसेना और एनसीपी का सबसे ज्यादा गुस्सा देवेंद्र फडणवीस पर है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ही इस मामले को सबसे पहले और सबसे जोर से असेंबली में उठाया था। उन्होंने सचिन वाजे का सीडीआर रिकॉर्ड विधानसभा में पेश कर दिया था और इसके बाद शिवसेना के नेता बैकफुट पर आए, सचिन वाजे को सस्पेंड करना पड़ा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह का मुद्दा उठाया तो फिर परमवीर सिंह का ट्रांसफर करना पड़ा। और जहां तक मेरी जानकारी है, देवेंद्र फडणवीस इस मामले को यहां छोड़ने वाले नहीं है, वो इस काम में पूरी ताकत से लगे हैं। अब चूंकि शरद पवार ही उद्धव ठाकरे की सरकार के संकट मोचक हैं और शरद पवार ये मानते हैं कि सरकार को बचाना, इस सरकार को किसी तरह चलाते रहना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो भी आउट ऑफ द वे जाकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। मैं पवार साहब से कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वसूली कांड के अलावा कोरोना के बढ़ते केसेस ने भी महाराष्ट्र सरकार को परेशान किया हुआ है, इसका एक अपडेट ब्रेक के बाद। अब एक परेशान करने वाली खबर आपको बता दूं, चिंता की बात है, कोरोना की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश में कोरोना के करीब 47,000 केसेस सामने आए हैं, 212 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे ज्यादा चिंता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब की। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में जितने भी कोरोना के केसेस सामने आए हैं, इन 47,000 केसेस में से 80% केसेस इन 5 राज्यों से हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा खतरा है महाराष्ट्र में, जहां कोरोना के 24,645 नए केसेस सामने आए। मुंबई और नागपुर में तो हालात पिछले साल से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आज मुंबई में कोरोना के 3,260 नए केसेस दर्ज हुए। नागपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,596 नए केसेस सामने आए हैं। नागपुर के अलावा दिल्ली में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 888 नए केसेस सामने आए हैं। कुछ दिन पहले तो दिल्ली में 70 से 80 केसेस आते थे, अब 888 केसेस। तो कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। लोग कोरोना को फैलने में कूद कूद कर मदद कर रहे हैं। कोरोना को लेकर लोगों का डर खत्म हो गया है, लापरवाही है, कभी आस्था के नाम पर, कभी किसी उत्सव के नाम पर जो भीड़ इकट्ठा होती है वो कोरोना की कैरियर बन गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मथुरा के हरिजी मंदिर की तस्वीरें हैं, ये लठमार होली है, हजारों की भीड़ है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का हाल तो आप देख ही रहे हैं। लड्डू मारे जा रहे हैं और होली मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना भी बढ़ रहा है। इसी तरह की तस्वीर कर्नाटक के हुबली से भी आई है। यहाँ फिल्म की यूनिट यानी हीरो हीरोइन फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे और उन्हें देखने के लिए हजारों फैन उमड़ पड़े। न तो मास्क दिखाई पड़ा, न सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कुछ दिखा तो कोरोना का खतरा।
अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, इतनी भीड़ इकट्ठा करेंगे, तो फिर कोरोना से कोई नहीं बचा सकता। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, इसे तेजी से करने की कोशिश की जा रही है। आज कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। नई गाइडलाइंस आप नोट कर लें, जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं, दो डोज के बीच में अब जो डिफरेंस है वो 4 से 8 हफ्ते का होगा। अब तक 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा जाता था, अब इसे बढ़ाकर 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि रिसर्च में पता चला कि कोविशील्ड की दूसरी खुराक 6 से 8 हफ्ते के बीच लगाई जाए तो इससे उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, सुरक्षा बढ़ जाती है। लेकिन अगर दो टीकों के बीच अंतर 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका ध्यान रखें। नया नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर यह रूल लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्ते के भीतर ही लगाए जाएंगे। अभी तक भारत ने 4,72,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। इनमें से 3,75,00,000 लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है और 75,00,000 लोगों को सेकेंड डोज भी दिया जा चुका है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।